हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम आवर ब्लॉग। तो आज हम जाने वाले हैं कलकत्ता इंडियन म्यूजियम और वहां पे देखने वाले हैं बहुत सारा प्राचीन काल का मूर्ति मुद्रा। और चलो चलते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं बहुत सारा पुराना पुराना प्राचीन काल का मूर्ति। तब तक के लिए मेरे वीडियो देखते रहिए और स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। यह है इस प्लेनेट मेट्रो स्टेशन और यहाँ से बाहर निकलते ही आप लोग को पहले दिखाई देगा न्यू मार्केट और यहाँ से आप लोग को 5 मिनट लगेगा। इसका बगल में ही है इंडियन म्यूजियम। कलकत्ता इंडियन म्यूजियम 1814 में स्थापित हुआ है। भारत का सबसे बड़ा और पुराना म्यूजियम यह है। हर कोने कोने से हिस्ट्रिकल फैक्ट संग्रह किया गया है। आउट कंट्री से भी आर्टिफैक्ट यहाँ पे लाया गया है। और ये रहा टिकट काउंटर। यहाँ पे पर पर्सन 75 और कैमरा वीडियो के लिए आप लोगों का लगेगा 60 रुपीज। तो एंटर करते ही फर्स्ट आप लोग को मिलेगा भरूड गैलरी। और ये गैलरी सब मध्य प्रदेश के एक विलेज से संग्रह किया गया है। और ये है गंधर गैलरी। ये गंधर विलेज से ही लाया गया है। ये है बौद्धिस्ट मूर्ति। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मूर्ति है जो पत्थर से खुदाई कर करके किया गया है। ये है गेट और ये राजा लोग यूज करता था। और यहाँ पे बहुत सारा मूर्ति है और आप लोग आइएगा, यहाँ पे आप लोग को नॉलेज मिलेगा। यह है मुद्रा गैलरी। 2000 साल पहला यूज किया गया मुद्रा है। ग्रीक, उसान, दिल्ली सुल्तान और मुगल राज्यों के राजा लोग सिल्वर, गोल्ड इत्यादि मुद्रा है यहाँ पे। यह है गोल्ड का मुद्रा। और यह है सिल्वर मुद्रा। सो चलो चलते हैं ऊपर फ्लोर। और यहाँ पे ऊपर आते ही पहले हमको दिखाई दिया अशोक चक्र। और ये है विक्टोरिया रानी। और यह है पूरा व्यू इंडियन म्यूजियम का। तो देखो कैसे लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यह है इजिप्ट गैलरी। यहाँ पे वीडियो लेना अलाउ नहीं है। यह है जूलॉजिकल गैलरी। यहाँ पे ज्यादातर माइग्रेट किया गया पंछी का दृश्य दिखाया गया है। आउट कंट्री का भी पंछी वर्ड बहुत सारा दृश्य दिखाया गया है। यह है मयूर। और यह विभिन्न प्रकार का छोटा बड़ा पंछी, बड़ा छोटा। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर पंछी है। और ये है ऑस्ट्रिच और इसका 2 अंडा है और एक छोटा सा बच्चा भी है। ये है फिश गैलरी। और यहाँ पे बहुत सारा समुद्री फिश है। यह है ओरिजिनल फिश। ये सूखा हुआ फिश केमिकल के अंदर में रखा हुआ है। और भिन्न भिन्न प्रकार की आप लोग को इसे सूखा हुआ मछली केमिकल के अंदर में दिखाई देगा और देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। ये है समुद्री फिश और समुद्र के अंदर में ये ज्यादातर रहता है।
और ये है एयर ब्रीथिंग फेस, विभिन्न प्रकार का। ये है शार्क। और ये फिश ज्यादातर आप लोग को समुद्र में दिखाई देगा, ये ज्यादा फूलता है हाथ में लेने से। और ये है विभिन्न प्रकार के एसिड में रखा हुआ, मतलब केमिकल में रखा हुआ स्नेक, कीड़ा मकोड़ा, विभिन्न प्रकार का चिपकली, सारा ओरिजिनल और रियल है। और ये मगरमच्छ का कंकाल है, ये रियल कंकाल है और यहाँ पे संग्रह किया गया है। यहाँ पे आप लोग आके इसका विषय जान भी सकते हैं। और ये है टेक्सटाइल गैलरी, बहुत साल पुराना तांत से बुनाई किया गया ये कला दिखाया गया है यहाँ पे। ये बहुत साल पहले पुराना राजा रानी लोग द्वारा यूज किया गया बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस है। और ये है डेकोरेट गैलरी, और आप लोग को यहाँ पे देखने मिलेगा बौद्धिस्ट लोगों का मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर का दृश्य। और यहाँ पे मंदिर में है एक बौद्धिस्ट का मूर्ति। ये है चीना माटी का पॉट, और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर आर्ट पेंट फूल बनाया गया है। यहाँ पे कीड़ा मकोड़ा का दृश्य दिखाया गया है, और यहाँ पे समुद्र के अंदर में क्या क्या रहता है वो दिखाया गया है। ऐसे ऑक्टोपस का विभिन्न प्रकार का अंग भी दिखाया गया है, और बटरफ्लाई भी है, और बटरफ्लाई कैसे कैसे बनता है। और ये मच्छर, मच्छर का भी विभिन्न प्रकार का मच्छर दिखाया गया है। और ये है बिग बल्ब ट्री, और यहाँ पे कीड़ा मकोड़ा का बॉडी खाया गया है। ये है जूलॉजिकल गैलरी, यहाँ पे जंतु प्राणी भिन्न भिन्न प्रकार का दिखाया गया है, जैसे thank you.
आदिम युग से कैसे मनुष्य को परिवर्तन हुआ है वो दृश्य दिखाया गया है कंकाल के द्वारा। और यहाँ पे बहुत सारा सिंपांजी स्टॉक करके रखा हुआ है। और ये है मंकी, मंकी भी बहुत सारा है। और यहाँ है टाइगर, लायन, हाथी और एक बड़ा वाला गेंडा। और ये है भारतवर्ष का सबसे बड़ा हाथी का कंकाल। और ये है डायनासोर का कंकाल। और ये है सीड्स गैलरी। और यहाँ पे आप लोग को भिन्न भिन्न प्रकार का सीड वेजिटेबल, और ये वेजिटेबल का सीड्स भी सारा यहीं मिलेगा। और ये है सब सीड्स का बीज का स्टॉक, ये सारा सीड्स ही है। और ये है फ्लेज का दृश्य। और ये है जैसे खेती करके जो धान कैसे काटता है, घर में लाता है। और ये सीड्स का बीजी है। और ये है राइस का विभिन्न प्रकार का बीज। और यहाँ पे फार्मर लोगों के द्वारा कैसे धान उगाता है वो दृश्य भी यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे बहुत सारा जड़ी बूटी भी है। और यहाँ चारों तरफ आप लोग देखेगा तो सीड्स ही सीड्स है। और ये है रुद्राक्ष माला जो शिव शंकर भोलेनाथ को पहनाता है और पंडित लोग भी पहनता है। यहाँ पे फार्मर लोगों के द्वारा धान से चावल की प्रोसेस कैसे होते है और मार्केट में कैसे जाता है वो दृश्य यहाँ पे दिखाया गया है। और ये रहा फॉसिल्स गैलरी। यहाँ पे आप लोगों का बहुत साल पुराना मरा हुआ जीव जंतु का छाप जो पत्थर में रह जाता और जीवाश्म यहाँ पे संग्रह किया गया है। भिन्न प्रकार का जीवाश्म यहाँ पे आप लोग को देखने मिलेगा। तो मेरा सलाह ये है कि आप लोग यहाँ पे आइएगा और विजिट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर हिस्ट्री का विषय में ही दृश्य किया गया है। तो आप लोग यहाँ पे आने से बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, बहुत सारा शिक्षा मिलेगा। और उसके बाद बंगाल पेंट गैलरी। और यहाँ पे आप लोग को दिखाई देगा बहुत सारा पेंट जो विख्यात लोगों के द्वारा पेंट किया गया है।
मेरा सलाह यही है कि आप लोग यहाँ पे जरूर आइएगा और यहाँ पे विजिट कीजिएगा। तो मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और तब तक के लिए मेरे वीडियो देखते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।